उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में पिछले कई सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है, तकरीबन 1 लाख पद खाली है। इसे लेकर जो बीटीसी प्रशिक्षित हैं, जिन्हें अब डीएलएड प्रशिक्षित कहा जाता है, वे बेरोजगार बने हुए हैं। इससे उनमें लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले दिनों ये कहा था कि जो भी पद खाली है उन पर जल्द ही भर्तियां की जाएंगी, लेकिन अभी तक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। इससे जो प्रशिक्षित है वो खासकर दुखी भी है, नाराज है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आज संगम नगरी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर के बाहर जुटे हुए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में जो महिला अभ्यर्थी है वे भी है, लगातार नारेबाजी कर रही है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग कर रही है। हमारे साथ इस आंदोलन को चलाने वाले रजत जी हैं, विष्णु जी हैं, तमाम अन्य लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए प्रमुख मांग क्या है? हमारी प्रमुख मांग है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है, जो आज 6 वर्षों से ज्यादा के समय से प्रदेश सरकार द्वारा नहीं निकाली गई। इसके लिए हम सब समय समय पर लगातार आंदोलित होते रहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार बार बार शिक्षा मित्रों के समायोजन की सीटें 68,570 भर्तियों का बार बार भर्ती का बारे में बता करके ये बताती है हमने प्रदेश में बड़ी भर्ती की है, लेकिन असल मुद्दा ये है कि वो शिक्षा मित्रों के समायोजन की सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है। सरकार और विभाग लगातार हर वर्ष डीएलएड बीटीसी का कोर्स संचालित करता रहता है, लाखों लोग बेरोजगार होते रहते हैं, समय समय पर टेट सीटेट का विज्ञापन निकाल करके ऊपर पात्रता परीक्षा निकालता है, लेकिन जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात आती है तो विज्ञापन नहीं जारी करता है। ये बताइए कि अगर आज भर्ती निकाल दी जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, कितने लोग टीचर बन जाएंगे? अगर भर्ती का विज्ञापन निकले तो कम से कम 10 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में डीएलएड बीटीसी के प्रशिक्षित है, जो बेरोजगारी दंड से झेल जूझ रहे हैं। और इस समय ऐसा नहीं है कि हम सब गैर मुद्दे में बात कर रहे हैं, इस समय शिक्षा मंत्रालय ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर बताया है 1,26,028 पद रिक्त है उत्तर प्रदेश में, तभी ये विज्ञापन नहीं निकाल रहे हैं। वही बिहार में उसी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आंकड़ा जारी होने पर प्रति बीपीएससी TRE 1 TRE 2 TRE 3 निकल रहा है, अभी हाल ही में TRE 4 निकल रहा है। आज उत्तर प्रदेश का बेरोजगार छात्र बिहार राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर हो चुका है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कम से कम नई भर्ती का विज्ञापन जारी करें और मानसिक दशा को समझे कि प्रयागराज के दम पर दस कमरे में रह करके किस तरीके से ये कहां कहां से ये अभ्यर्थी आए हुए हैं? ये अभ्यर्थी बलिया, गोरखपुर, कुशीनगर, आजमगढ़, जौनपुर, काफी विभिन्न प्रकार के जिले से यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हमारी मांग है कि हमारी 57,000 शिक्षक भर्ती हमें दी जाए, क्योंकि लगभग कितने एक दिनों का ये धरना है, एक दिन का धरना है? नहीं, लगभग ये 6 सालों से हमारा धरना चल रहा है और विज्ञापन जारी करने के लिए हमारे हमारी लगभग सभी विधायक डीएम एसडीएम हर जगह अपना विज्ञापन लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही है तब आगे क्या रास्ता बचा है? सर, ये धरना अंदर चलेगा। योगी जी ने एक अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, उन्होंने कहा कि 100 दिन के अंदर में सारे रिक्तों को भरा जाए। क्या इस सरकार की बात, क्या इस सरकार इस योगी जी की बात अधिकारियों ने मानी? नहीं मानी। योगी जी ने 6 साल पहले एक हलफनामा सरकार में कोर्ट में लगाया था कि हमारे पास 51,000 पत्र 51,000 के करीब पद खाली है और हर साल 15,000 करीब शिक्षक रिटायर होते हैं। क्या 15,000 करीब अगर रिटायर होते 6 साल में 90,000 करीब रिटायर हो गए? क्या हलफनामा वाले, यानी कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आगे आप लोग? अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो जब तक योगी सरकार विज्ञापन जारी नहीं करती है तब हम लोग इसी तरह डटे रहेंगे और सरकार विरोध करते रहेंगे। आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, जब तक आंदोलन कभी नहीं रुकेगा। लगभग 6 साल हो गए, 6 साल से योगी सरकार केवल और केवल जुमला प्रदान कर रही है बच्चों को, और यहाँ पे 10x10 के कमरे में रह रहे वाला प्रत्येक लड़का प्रताड़ित हो चुका है। किसी के घर वाले उसका खेत बेच के घर गिरवी रख के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आज समस्या ये है कि प्रत्येक बच्चा बिल्कुल देखिए बड़ी संख्या में जो महिला अभ्यर्थी है वो भी यहाँ पर आई हुई है। महिला अभ्यर्थियों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई है, क्या चाहती है, कितनी दिक्कत हो रही है? अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका,
क्या चाहती हैं? शिक्षक भर्ती। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा? बहुत करना पड़ रहा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता राष्ट्रीय ध्वज का ये भी कहना है कि अगर उनकी मांग जब तक पूरी नहीं की जाती है तो वो अपना आंदोलन उसी तरह से जारी रहेंगे, काम नहीं रखेंगे और चार तरीके से उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।